16 साल का बच्चा यूपी का एक फोन एक्सप्लोजन की वजह से उनकी मौत हो गई, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। गर्मियों का सीजन चल रहा और फोन ज्यादा हीट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग संभल कर रहिए। बैक कवर में अगर आप लोग प्लास्टिक वगैरह लगाए हैं या स्किन वगैरह लगाए हैं और फोन चार्जिंग में लगाकर गेम वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा इससे बचिए। तो इस तरह का कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वर्ल्ड का पहला फोन एक्सप्लोजन कौन सा हुआ था, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजाकान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया, जाके जरूर देखिए। अब बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आप गेमिंग करते हैं या नहीं करते। 61% लोगों ने कहा कि हाँ करते हैं, 39% लोगों ने कहा कि नहीं करते। कौन है ये लोग, आप करते हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में एक नया तरह का फीचर्स आ गया है जिसमें बोलते हैं स्टिकर टूल्स। ये जो है ओआईएस में काम करेगा, मतलब एप्पल वगैरह में काम करेगा, एंड्रॉइड के लिए अभी नहीं आया है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अलग अलग तरह का इमोजी वगैरह अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए भेज सकते हैं। अब ये क्या गंदे ही सारे कर रहा था पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन इस तरह का कुछ आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। बात करते हैं एमजी की। एमजी ने एक मारुति वैन टाइप का अपना वैन निकाला है जो ईवी है, मतलब इलेक्ट्रिक से चलेगा, 260 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलने वाला है, और इसकी प्राइस जो है 20 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। आपको क्या लगता है ये सही रहेगा बच्चों को ढोने के लिए स्कूल वगैरह से? वैसे हम तो पैदल जाते थे, पोल रखते इस पर बताइए आप स्कूल पैदल जाते हैं या गाड़ियों में जाते थे कमेंट में। दिल्ली का सिटी वॉक मॉल पे एक नया एप्पल स्टोर खुल चुका है। पहले मुंबई में खुला 18 तारीख को, अब दिल्ली में भी खुल गया आज के डेट में। तो इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली में से कौन कौन है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो सुग्रान मोहंता का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इस तरह के नाम के जितने भी लोग हैं पता नहीं दिल से रिस्पेक्ट होती है इनके लिए, क्योंकि इनका ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब मोहंता वगैरह जो होते हैं। तो इनका सवाल ये है कि Realme 10 Pro Plus में अभी पिंग कितना आता है गेमिंग में? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 4G में जब मैं खेलता हूँ तो 60 पिंग से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही 5G शिफ्ट करता है तो 40 पिंग 40-35 पिंग तक जाता है, और जैसे ही मैं वाईफाई से खेलता हूँ तो 50 तक का रहता है। तो इस तरह का कुछ है। वैसे आपके इलाके में नेटवर्क कैसा है उस पर डिपेंडेंट करता है कि फ़ोन का जो गेमिंग करते हैं उसका पिंग कैसा रहे। चलिए बात करते हैं एक अनहोनी की। शाओमी के साथ अनहोनी हो गया कि इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड अब ये नहीं रहा, नंबर चार हो गया। जब बेइज्जती है, मतलब 1 से 2 में भी नहीं आया, 3 में भी नहीं आया, डायरेक्ट 4 में आ गया। ऐसे तो नहीं होता है। 16% मार्केट शेयर के साथ ये 4 नंबर पे है। 1 में सैमसंग है 21% मार्केट शेयर, उसके बाद ओप्पो है 18, वीवो है 18, और शाओमी है ये 16 नंबर पे, और 9 नंबर पे रियलमी है। शाओमी और रियलमी और रेडमी या और पोको ये सब एक साथ जा रहे हैं नीचे, पता नहीं क्यों। आपको कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। वहीं बात करते हैं शाओमी का पैड 6 और 6 प्रो चाइना में कल लॉन्च हो चुका है। पैड 6 का प्राइस है 23,000 रुपये और प्रो का जो प्राइस है 34,000 रुपये से शुरू होता है। बात करते हैं क्या है, पहले बात करते हैं पैड 6 की। इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, 13 का रियर, 8 का सेल्फी, 8000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग। वहीं डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो पैनल दिया गया है 144 हर्ट्ज के साथ IPS पैनल देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं प्रो में, तो प्रो में भी सेम चीज दिया गया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी और 8000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग। इसमें भी दोस्तों 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरह का कुछ है, आप लेना चाहेंगे अगर इंडिया में ये इसी प्राइसिंग के साथ आया कमेंट में जरूर बताएं। पोको F5 और F5 Pro फाइनली Geekbench पर लिस्ट हो गया है ये दोनों फोन, जिसमें दोनों में बताया जा रहा है कि पोको F5 में मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2 और पोको F5 Pro में देखने को मिलने वाला है 8+Gen 1 वाला प्रोसेसर। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? हम तो कल बता दिए थे टेक न्यूज में कि रेडमी K60 का रीब्रांड होगा प्रो वाला। आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट में। रियलमी 11 सीरीज की। रियलमी 11 और 11 प्रो ये भी Geekbench पर लिस्ट हो गया है Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ, लेकिन खास बात यह है कि इसमें भी इस बार 2160 हर्ट्ज का BWM डिमिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जो Realme 10 Pro Plus में था। वहीं खास बात यह है कि इसमें जो कैमरा देखने को मिलेगा, कल मैंने बता दिया HWP3 सेंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का कुछ आप देखिए ये कैसा होगा। वहीं बात करते हैं 11 का, तो यहाँ पर Realme 11 जो है इंडिया के BIS वगैरह में लिस्ट हो गया है वही सेम प्रोसेसर के साथ। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। अब इसमें देखिए 50 megapixel का OIS होगा या फिर कुछ और होगा कमेंट में। बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग के वॉच 5 में एक नया तरह का
फीचर्स आया था कि आपका बॉडी टेम्परेचर बताएगा, मतलब थर्मामीटर की जरूरत नहीं। तो लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये इनेबल नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार जो अपडेट आया उसमें इनेबल हो चुका है। इस तरह कुछ अपडेट है, आप लेना चाहेंगे वैसे आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हॉट रहता है अबे साले आज के डेट में। कमेंट में बात करते हैं वीवो की। वीवो का S17 Pro, ये जो फोन है इसमें IMX766 का सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो डेप्थ सेंसिंग होगा वो ऐसा बताया जा रहा है कि 12 मेगापिक्सल का जबरदस्त डेप्थ सेंसिंग देखने को मिलेगा। ये फोन कितने प्राइस तक का आएगा कुछ पता है तो कमेंट में जरूर। बात करते हैं OnePlus की। OnePlus का Nord 3 SIRM सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया, वहीं Google Play कंसोल में लिस्ट हुआ है OnePlus का Nord 10 30। अब ये जो है रीब्रांड है OnePlus Nord C3 Lite का, इस तरह कोई न्यूज निकल के आ रही है। अब इंडिया में क्यों ये लॉन्च हो रहा पता नहीं। वहीं बात करते हैं OnePlus का पैड जो है इसकी स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है। Dimensity 9000 के साथ इसका प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 144 हर्ट्ज के साथ 11 इंच या 10 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आप लेना चाहेंगे ये पैड 37,000 रुपीज से ये शुरू होगा कमेंट में सर। बात करते हैं मोटो रेजर 40 अल्ट्रा, इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो काफी जबरदस्त लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में सर। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो iQOO का 8 सीरीज, iQOO का 9 और iQOO का 10 11 वगैरह में भारी डिस्काउंट मिल रही है क्योंकि इनका 3rd एनिवर्सरी है। तो जाइए देखिए, खरीदिए, बाय करिए और मिठाई घर तक पहुंचाइए। अवतार के बाद हम जरूर खाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं वीडियो में। मॉर्निंग वाला वीडियो को जरूर देखिए। एसी लेना चाह रहे हैं कल एक जबरदस्त वीडियो आ रहा है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।